अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। इन दीवारों को देखिए, इन पर लिखा है ये घर बिकाऊ है। जरा कुछ और घरों को भी देखिए, यहाँ भी दीवारों पर आपको यही लिखा मिल जाएगा कि घर बिकाऊ है। इस गांव में आप चलते चले जाएंगे और दीवारों पर चस्पा ऐसे इश्तिहार आपको दिखते जाएंगे। ये अलीगढ़ के टप्पल का नूरपुर गांव है, जहां लोगों के चेहरे का नूर उड़ा हुआ है। लोग अब अपना घर बार छोड़कर यहां से चले जाना चाहते हैं, लेकिन क्यों? ये सवाल हमारे दिमाग में भी था जब हमारी टीम इस गांव की गलियों से होकर गुजरी और इन दीवारों को देखा, तो हमने कुछ लोगों से इसकी वजह भी पूछी। सुनिए। मामला ये हमारी, हम एससी वर्ग से बिलोंग करते हैं, जाति जाटव। यहाँ मुस्लिम समुदाय की संख्या अधिक है, हमारी 20% है, और ये लोग गत वर्षों से हमारी बहन बेटियों की जो बरातें चढ़ती हैं उस रास्ते से गुजरने नहीं देते हैं। एक मस्जिद बनी है नई, तो कह रहे हैं कि ये 300 मीटर के दायरे में यहाँ बारात चढ़ने नहीं देंगे आपकी, और हमसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, मारपीट करते हैं और हमारी बारात की गाड़ियों को तोड़ते हैं। इसकी तहरीर आपने टप्पल थाना में दी? टप्पल थाने में दी, मैं मौजूद था। मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरी अंगूठी छीन ली, लेकिन आज तक बरामद नहीं। पुलिस प्रशासन से मैंने प्रार्थना पत्र भी दिया थाना टप्पल में, लेकिन आज तक मुझे न्याय नहीं मिला। काफ़ी परेशान करते थे हमारी बरातों में झगड़ा करना, हम तक और कहीं चक्कू वक्कू से भमर सिंह के चक्कू मारना, कहीं बरातों में झगड़ा करना, कमेंट कसना हमारी बहन बेटियों के, रात को आना हुटर बजा के गाड़ी निकालना, तरी तरीके की बात कहना, कहना आप लोग थोड़े तादाद में हो, आप इन झंझटों को छोड़िए, आप मुसलमान हो जाइए, दीन भाई हो जाइए। आप जब दीन भाई हो जाएंगे तो ये सारे झंझट निबट जाएंगे। लोगों का कहना है कि बहुसंख्यक समाज के लोगों ने उनका जीना मुश्किल कर दिया है। अभी 26 मई को गांव की एक बेटी की शादी थी, लेकिन बहुसंख्यक समाज के कुछ अराजक तत्वों ने बारात चढ़ने का विरोध शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि उनके साथ मारपीट भी की गई। बारात आती है और मुसलमान पीटते हैं और गेल में नहीं लिखा रहते, हिंदू जाते। अच्छा, कितने लोग, एक कौन से ये जो बरादरी है आपको, आप किस बरादरी से हैं और वो किससे हैं? वो मुसलमान है, हम जाटव हैं। अच्छा, जो आपने घर पे लिखा है घर बिकाऊ है, ये क्या मामला है, ये क्या क्यों लिखा है आपने? डर के मारे रखा लिखा है। क्या लिखा है? डर के, हम तो जा रहे हैं यहाँ से गांव छोड़ के। सर क्या नाम है आपका? शेर सिंह। तेज बोली सर। शेर सिंह। अच्छा, कौन सा गांव है? नूरपुर। कौन सा थाना लगता है इसमें? टप्पल। अच्छा, क्या मामला है पूरा, ये आपने लिख रखा, क्या लिखा है इस पे आपने? हमने लिखा है भाई बारात फरात ना चढ़ने, मारपीट करें, परेशान करें, और हमने फिर प्लान बनाओ जी कि हम जाते तो गांव छोड़ के चले तो बढ़िया। अच्छा, कितने लोग आपकी जो बरादरी है, क्या सभी यहाँ से जो पलायन करने के लिए तैयार है? सब प्लान करने के लिए तैयार है। अच्छा, ये क्या लिख रखा है आपने घर पे, जो लिख रखा है? हम देखने के लिए लिख रहा हूँ जी। लोग बताते हैं कि ये कोई पहली दफा नहीं है जब उनके साथ ऐसा किया गया हो। उनका आरोप है कि उन लोगों की संख्या कम होने की वजह से उन्हें काफी वक्त से यूं ही परेशान किया जा रहा है। मामला दो समुदाय के लोग बीच में है जी, शादी में और बहन बेटी की शादियों में ये झगड़ा करते हैं मोमडन लोग जो है, और इन्होंने यहाँ से धमकी दे रखा है और ये धर्म परिवर्तन के लिए जवाब बनाते हैं लोगों को। अच्छा, क्या ये फिर आपने जो मकान पे क्या लिखवा रखा है? ये लिखवा रखा है यहाँ से बेच के जाएंगे, यहाँ से पलायन करेंगे सभी लोग। अच्छा, कितने लोग हैं आपकी बरादरी के लोग? यहाँ 100 घर हैं जी। 100 तो 100 मकानों पैसे हाँ जी सभी पे लिखा। मुस्लिम समाज के लोग बारात को रोकने का काम और बदतमीजी, आप जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल, हमने बामुश्किल 9 तारीख में अपने जो बारात जो है कि अपनी बारात बुलाई अपने घर आदमी को बामुश्किल। तो आपने अपने मकान पे यह मकान बिका हुआ है ये लिखा है? हाँ, हमने लिखा है। किस लिए? सर, इनके आतंक को देखकर, इनके माहौल को देखकर, इनके व्यवहार को देखकर, और इनकी संख्या ज़्यादा हमारी कम है। ये आए दिन कोई ना कोई दंगा फसाद इनके बच्चे करते रहते हैं, गलियों में देर सुबह घूमने का काम करते हैं इस तरह से लोग। मामले में जब हमने तफ्तीश करनी शुरू की तो कुछ और दीवारों पर लिखा ये मैसेज मिटा हुआ मिला, जिस पर एक ग्रामीण ने पुलिस प्रशासन पर ही गंभीर आरोप लगा दिए।
अच्छा ये नाम जो मिटाए गए क्यों, किसने मिटाए थे? हाँ ये पुलिस प्रशासन ने स्वतः ही गांव के चौकीदार को लेकर पुतवाए कि क्यों क्या कह रही थी पुलिस? पुलिस कह रही थी अब कोई बात नहीं है और आप जो है शांति से ही रहो और आप कह दीजिए कि हम जो है गांव छोड़ने को तैयार नहीं है और कोई बात नहीं है, हम यहाँ सुरक्षित हैं। अब फिर आपका क्या है गांव छोड़ने के लिए, अब तैयार हैं आप? हाँ हम तैयार हैं। वहीं पुलिस पलायन की बातों से इनकार कर रही है, उसका कहना है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, बस 26 मई को एक घटना सामने आई थी जिस पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। नूरपुर की घटना के संबंध में मेरे द्वारा, SDM खैर के द्वारा और प्रभारी निरीक्षक टप्पल के द्वारा गांव का भ्रमण कर लिया गया है। इस तरह की अब वहाँ पे कोई बात नहीं है। 26 तारीख की घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि गांव का दौरा किया जा रहा है तो वहीं अब इस मामले को सियासतदान नेक्स्ट कैराना बता रहे हैं। इस गांव में सांसद विधायक भी पहुंच रहे हैं। बीजेपी सांसद सतीश गौतम और खैर विधानसभा के विधायक अनूप बाल्मीक गांव नूरपुर में पहुंचकर लोगों से मिलते हैं तो वहीं विरोधी इस पर हमला करते हैं और इस पर हिंदू मुस्लिम की सियासत करने का आरोप लगा देते हैं। नूरपुर के अंदर दो हिंदू मुसलमान मिलके रहते हैं, आपस में कभी कभी हो जाती है, किसकी गलती में ये नहीं करा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये आपस में कभी कभी झगड़ा हो जाता है, इसको वो ख़त्म हो गया, कल कंप्रोमाइज़ हो गया, अब तो ये सिर्फ आग में घी डालने का काम करने गए हैं और इनका मकसद सिर्फ इतना है कि जनता का ध्यान जो ये शराब की मौत, शराब से जो मौतें हो रही हैं इस पर ध्यान हटाने का इनका मकसद है। वहाँ पर जाना नूरपुर, इसके अलावा कोई नहीं है। मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूँ नूरपुर मत जाओ, वो तो भाई भाई हैं, सभी खो जाएंगे। तुमने जो उनको मौतें दी हैं, तुम्हारी गलत नीतियों के कारण जो मौत लोग मर रहे हैं, उनके घर पे जाओ। अभी 4 आदमी मर के चुके बाल्मीकियों में, उनके घर जाओ, उनको ढंडस पहुँचा, क्योंकि वहाँ तुम्हारी दाल निकलेगी। तुम्हारा तो एक ही नारा है, हिंदू मुस्लिम लड़ाओ और राज करो। अब ये जनता समझ चुकी है हिंदू मुसलमान किसी कीमत पर भी नहीं लड़ेंगे। कभी कभी किसी भाई भाई की हो जाती है, वो इसको हिंदू मुसलमान से नहीं जोड़ना चाहिए। तो सुना आपने, लोगों का कुछ और कहना है, पुलिस का कुछ और कहना है, तो राजनीति के रंग कुछ अलग हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या चुनाव से पहले अलीगढ़ का ये नूरपुर गाँव कैराना पार्ट 2 तो नहीं बन जाएगा? अलीगढ़ से शिवम सारस्वत की रिपोर्ट, यूपी तक।